मणिकुंडन नाम के गांव में पवन, किरण, हेमंत नाम के तीन दोस्त हुआ करते थे। एक बार तीनों यूं ही जंगल में घूम रहे थे, उन्हें वहां एक आश्रम दिखाई दिया। उसमें एक स्वामी जी तपस्या करते हुए दिखाई दिए। तीनों जाकर उनका नमस्कार किए। स्वामी जी आंखें खोलकर, कौन हो बेटा तुम लोग, यहाँ जंगल में क्यों आए? तीनों अपने बारे में बताए। जंगल बहुत अच्छा है स्वामी जी, आपका आश्रम तो और भी अच्छा है। हम तीनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम पूरी जिंदगी ना बिछड़े ऐसे हमें वर दीजिए स्वामी। बेटा, इस दुनिया में रिश्ते और दोस्ती के वजह से ही हमें दुख और कष्ट मिलते हैं। पैसे हर चीज को बर्बाद कर देती है, इसलिए उनसे दूर रहना ही अच्छा है। दोस्ती भी वैसे ही है बेटा, पैसे और बाहर वालों की बातों के वजह से दोस्ती भी बिगड़ जाती है। क्या स्वामी जी, आप भी ऐसे कह रहे हो? अच्छे से दोस्ती बनाए रखने में क्या खराबी है? आप वर दो या ना दो, हम हमेशा अपनी दोस्ती बनाए रखेंगे। पैसे और बाहर वालों की बातें, ये सब हमारी दोस्ती का कुछ नहीं कर सकते। बहुत खुशी हुई बेटा, ठीक है, तुम लोग इतना दूर आए इसीलिए मैं आप लोगों को तीन वाहन दूंगा, उनके द्वारा लाभ पाकर खुश रहना। कहकर हाथ घुमाते ही वहाँ वाटरमेलन, कोकोनट, बनाना कार प्रकट हुए। बेटा, वो वाटरमेलन, कोकोनट, बनाना जब भी आप लोग मांगोगे तब दे देंगे, उन्हें बेचकर लाभ पाना। यूं आशीर्वाद दिए। तीनों वो लेकर वहां से निकल गए। वे जब यूं जा रहे थे तब लोग आश्चर्य से देखने लगे। तीनों इस तरह तीन दुकान शुरू किए। तीनों जब भी इच्छा प्रकट करते उनमें से वाटरमेलन, कोकोनट, बनाना सब आ जाते थे। वे उन्हें दुकान में डालते थे, उन्हें बेचकर अच्छे पैसे कमाने लगे। एक दिन एक हेमंत से, क्या भाई हेमंत, लगता है तुम बड़े भोले हो, वरना कोई बनाना कार थोड़ी लेता है। चाहो जितना भी बनाना बेच लो, तुम उनकी तरह कमा पाओगे क्या? बताओ, उन्होंने तुम्हें धोखा दिया है रे। तब हेमंत सोच में पड़ गया। एक और आदमी किरण से, वो दोनों तुम्हें बकरा बनाए रे किरण, इसीलिए तुम्हें वाटरमेलन कार दिए। वाटरमेलन सिर्फ गर्मी में ही बिकता है रे, बाकी मौसम में तुम इन्हें बेच नहीं पाओगे रे, अब तुम्हें बहुत नुकसान होगा। एक और पवन से, कोकोनट कार क्या लिया रे, बेवकूफ की तरह फ्रूट्स के लिए जो डिमांड है इसके लिए होगा क्या? बताओ, वे दोनों तुम्हें बेवकूफ बनाए रे। तब पवन को बहुत गुस्सा आया। आप जो बोल रहे हो वो सच है, उन्होंने मुझे धोखा दिया है, उन्हें किसी तरह सबक सिखाना होगा। हाँ, वे दोनों मुझे बकरा बनाए, मैं किसी भी तरह उन दोनों से ज्यादा पैसे कमाऊंगा। ये दोनों इतने धोखेबाज हैं, ये मैं जान नहीं पाया, मैं इन दोनों से ज्यादा पैसे कमा कर मैं कौन हूँ दिखाऊंगा। यूं सोचा। एक दिन तीनों अपने दुकान के पास थे, तब ऑटो में एक अनाउंसमेंट करते हुए जा रहा था। सुनिए भाई, सुनिए, अच्छे से सुनिए, हमारे गांव में बहुत बड़ा कार रेस होने वाला है, लेकिन वो मामूली कार रेस नहीं है, बहुत अलग किस्म का कार रेस है। वैसे कार किसी के पास हो तो आकर भाग लो, प्रतियोगिता हमारे गांव के पहाड़ पर होगा और जो जीतेगा उसे 100 करोड़ का इनाम मिलेगा। वो सुनकर तीनों को आस हुई। प्रतियोगिता के दिन तीनों अपनी कार लेकर वहाँ आए। वहाँ अलग अलग किस्म की कार तैयार थे। क्या भाई, तुम लोग प्रतियोगिता के लिए आए हो? तुम लोग तो अच्छे से उनसे व्यापार करते हो ना, अगर तुम्हारे वाहन को लग गई तो तुम लोग कुछ कर नहीं पाओगे, बहुत नुकसान हो जाएगा। मेरी बात मानिए और ये मुकाबला में भाग मत लो। मेरे पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं उठता, कुछ कमी ने दोस्ती के नाम पर मुझे धोखा दिए, उनसे ज्यादा पैसे कमाना है मुझे। हाँ, मैं भी पीछे नहीं हटूंगा, मुझे भी पैसे चाहिए, मुझे भी इन कमीनों ने धोखा दिया है। इन कमीनों से मुझे ज्यादा पैसे चाहिए, मैं भी मुकाबला करके रहूंगा। फिर रेफरी के विसल मारते ही प्रतियोगिता शुरू हुई। सारे वाहन एक दूसरे को टक्कर देते हुए आगे बढ़ी।
आखिरकार ये तीनों फिनिश लाइन पार करके गलती से तेजी से आते हुए पहाड़ से नीचे गिर गए। तीनों तैरते हुए किसी तरह किनारे तक आए। तब स्वामी जी वहां आए। देखिए बच्चों, पैसे बाहर वालों की बातों की वजह से क्या हुआ, इसलिए रिश्ते दोस्ती सब एक हद तक ही होना चाहिए, वरना बहुत खतरा हो सकता है। अपनी गलती का एहसास करते हुए तीनों उन्हें नमस्कार किए।